हे वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। आज फिर मैं आपके लिए एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो लेकर आया हूं। ये सीरीज आपने जानते हैं मैंने चला रखी है, तो पहली दो वीडियो डाल चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने 225 प्रश्न डाले थे, उससे अगली वीडियो में मैंने 250 प्रश्न डाले थे। आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर कुल 255 प्रश्न हैं, ठीक है। तो यदि हम सारे अभी तक के प्रश्न हमारे जोड़ लें तो देखिए कितने हो गए भाई, 730 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं आपके जर्नल स्टडी के। तो आई होप ये वीडियो, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो 255 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस सीरीज से जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और जो नए सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको बताइए। बैकग्राउंड में डॉग भौंक रहा है, रात के समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसको माइंड मत कीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिए, आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। सो प्रश्न है हमारा, इफ एट अ प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, जहां पे मार्केट की सप्लाई मार्केट की डिमांड से ज्यादा है, वी से दैट देयर इज डैश इन द मार्केट एट दैट प्राइस। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। अरे सिंपल सी बात है यार, सप्लाई ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर वॉज ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा का जंगम, जिसे हम AIADMK बोलते हैं, फाउंडेड। तो ये पार्टी का नाम है, तो ये कब फाउंड हुई थी, 1972 में। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। विच फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इक्वल एक्सेस टू शॉप्स बेडिंग घाट्स होटेल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे कौन से हमारे फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है राइट टू इक्वेलिटी, ऑप्शन थ्री। फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधीज वॉलंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉकड, कितने दिन तक भाई ये चले थे वॉलंटियर महात्मा गांधी का, जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था। टोटल दिन है आंसर 24, ऑप्शन वन। द तुम्हारा राजपूत were defeated in the middle of the 12th century by Chauhan's of। तो तुम्हारा राजपूतों को भाई 12वीं सेंचुरी के मध्य में किन चौहानों ने हराया था, तो वो हराया था अजमेर के चौहानों ने, ऑप्शन टू है राइट आंसर। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन सा है भाई, सेवंथ लार्जेस्ट। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड डैश, यहाँ पे उस सरफेस की बात हो रही है जो सरफेस अबव द फोकस, फोकस जो अर्थ यार जो भूकंप आता है, ठीक है, उसका जो फोकस होता है, उसके वर्टिकल जो जो प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। ये फोकस है, इसका वर्टिकल ये जो प्लेस हो गया इसको एपिसेंटर बोलेंगे। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड वसा, एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वेस डेफरेंस एंड डैश। भाई ये तो बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है यार, क्या क्या होता है भाई, तो इसका आंसर है रेटे टेस्टिस, ऑप्शन टू है राइट आंसर। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मेच्योर टिश्यूज इज नोन एज डैश मेरिस्टेम। तो इस मेरिस्टेम को हम बोलते हैं इंटर कैलरी, ऑप्शन वन है राइट आंसर। Which of the following phylum are also called flatworms? तो हम flatworms कौन से phylum को बोलते हैं, देखिए इसको तोड़ लीजिए, Platyhelminthes, Platyhelminthes, option 4 है right answer। In the formula average velocity, बराबर में u plus v by 2, u is, u क्या होता है, अरे भाई बहुत ही सिंपल है यार, initial velocity होती है u, हम कितनी बार तो पढ़ चुके हैं इसको। वोकल कोड्स इन वुमेन आर डैश देन वोकल कोड्स इन मैन, भाई ज़्यादा बड़ी होती है वुमेन्स की वोकल कोड या छोटी होती है, तो 5 mm शॉर्टर होती है, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। द वेब यूज डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्वर वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन टू है राइट आंसर। देखिए कुछ हमारी वीडियोस में पिछले में सिर्फ दो प्रश्नों के जो है करेक्शन आई थी, ठीक है, तो 250 प्लस 255, तो लगभग जो है 450 से ज़्यादा क्वेश्चनों में से सिर्फ दो की करेक्शन आई थी, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बता रखा है, बाकी सारे प्रश्न हमारे सही थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स, अंगूरों में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क कौन से फाइबर को बोला जाता है, रेयॉन। During the past century, the temperature of Earth has increased by,
तो पिछले 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 0.6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन वन है राइट आंसर। डैश स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव फाइनेंशियल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे कौन सी स्कीम की बात हो रही है? यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात हो रही है। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर, प्रधानमंत्री जनधन योजना। हु डिस्कवर्ड यूरेनस? यूरेनस प्लैनेट को किसने खोजा था? विलियम हर्शल ने। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। Who was the host nation of 2015 men's rugby world cup? 2015 का rugby men's world cup कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। Who started construction of नालंदा? नालंदा की construction किसने शुरू करवाई थी? कुमार गुप्ता ने शुरू करवाई थी। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट? तो चाइना की बॉर्डर हमारे देश से लगती है, तो इसमें से कौन से स्टेट से नहीं लगती? बिहार से नहीं लगती, हिमाचल से लगती है, सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। The dash of a firm is a relationship between input used and output produced by the firm. तो यहाँ पे कौन से function की बात हो रही है? Production function. Production function जो मेरी मैंने descriptive economics आपको पढ़ाई थी उसमें कितने अच्छे से explain किया था production function. Dash means that the president of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of constitution to Supreme Court for advice. तो इस टाइप की ज्यूरिसडिक्शन को आप क्या बोलेंगे जहां पे प्रेसिडेंट क्यों है किसी भी मैटर को पब्लिक इंपॉर्टेंस के चलते उसमें सहायता के लिए या फिर ओपिनियन के लिए रेफर कर सकता है। तो ऐसी ज्यूरिसडिक्शन को क्या बोलते हैं हम? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं भाई? तो त्रिपुरा में एक है। ऑप्शन टू है राइट आंसर। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टीवेटर्स इन असम टू ग्रो। असम के किसानों को क्या उगाने के लिए प्रेरित किया गया था? टी, प्रेरित तो नहीं किया गया था उनको, जो है फोर्स किया गया था। द चोला किंगडम मोस्टली रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया? तो चोल वंशों का शासन जो है कौन से पार्ट पे रहा इंडिया के? साउथ पार्ट पे, दक्षिण भाग पे। In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake also called an. भाई देखिए ये meandering lake जो आपकी river होती है, ठीक है, अगर इसका ये हिस्सा कट जाए और यहाँ पे ये अलग हो जाए नदी से और नदी के flow ये बन जाए, तो ये अलग हो गया हिस्सा, तो ये जो lake बनती है इस lake को हम क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। ये देखिए जो घोड़े की नाल होती है उसकी shape में lake बन जाती है, तो इसको oxbow lake बोलते हैं। Option one है right answer. The oceanic crust mainly consists of silica and, तो भाई oceanic जो crust होती है, ठीक है, उसमें mainly क्या होता है? Silica होता है और magnesium. Option one है right answer. Order primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class mammalia along with order carnivora that includes, तो भाई इसका आंसर क्या है? Tiger, cats and dogs. ऑप्शन फोर है राइट आंसर। इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम एक्सार्च बोलते हैं। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। विच इज द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मोल्यूसेक फाइलम। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? ऑक्टोपस की। ऑप्शन फोर है राइट आंसर। If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be, इसकी motion को हम क्या कहेंगे? Non-uniform. Of course, change हो रही है तो uniform तो होगी नहीं। The substances which reduce friction are called, जो friction को खत्म करते हैं, कम करते हैं, ऐसे substance को हम क्या बोलते हैं? Lubricants. Notepad is a text editor in which of the following operating system? तो भाई विंडो पे चलती है नोटपैड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑप्शन वन है गिवन ऑप्शन में से। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्टिकुलेट साइज डैश माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो कितने साइज की यहाँ पे बात कर रहा है, कितने माइक्रोमीटर की बात कर रहा है? 2.5 की।
डैश स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ स्पेशल सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच इंक्लूड्स पेंशन एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे कौन सी स्कीम की बात हो रही है? महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की। ऑप्शन 3 है राइट आंसर। हु इन्वेंटेड स्पेसमैन? स्पेसमैन को किसने इन्वेंट किया था? पॉल सी फिशर ने। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वॉज बिल्ट बाय? तो किसने बनवाए थे भाई ये मॉन्यूमेंट हम्पी में? हरिहरा और बुका ने। ऑप्शन 1 है राइट आंसर। नेम द एस्चुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस एस्चुरी का क्या नाम है? सर क्रीक। डैश डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय नेट कैपिटल फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दस बाय अ कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो यहां पे कौन से अकाउंट की बात हो रही है? करंट अकाउंट की। डैश इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? एवरेज प्रोडक्ट की। टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द सेवेंथ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग कौन से लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में। देर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स इन महाराष्ट्र। कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं? 19 महाराष्ट्र में। अकबर वॉज डैश ईयर्स ओल्ड वेन ही बिकेम एम्परर। तो कितनी उम्र का था वो? 13 साल का था। सुल्तान महमूद वॉज अ रूलर ऑफ। तो कहाँ का राजा था सुल्तान महमूद? गजनी का। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज। तो यहाँ पे उस रिवर को हम क्या बोलते हैं? मीएंडर्स। अभी मैंने आपको बताया था ये जो शेप होती है, ठीक है। द मेथड ऑफ सोयल कंजर्वेशन इन विच स्टोन्स ग्रास सोयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कैंटोर्स एंड ट्रेंचिज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर टू कलेक्ट वाटर इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोला जाता है इस मेथड को? इसे बोला जाता है कॉन्टोर बैरियर। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थ्री मेन क्लासेस ऑफ अलगई? तो वो है आपका जाइनोस्पर्म। ऑप्शन 4 है राइट आंसर। साइकोन जिसे हम साइफा भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, एंड स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? ये किस फाइलम के एग्जाम्पल हैं? ये आपके पॉरीफेरा के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन 4 है राइट आंसर। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई क्या होगी? जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मोशन इस साइड है, फोर्स आप इस साइड लगा रहे हो तो ऑफकोर्स डिक्रीज होगी। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, भाई क्या होती है एक्सेलरेशन की? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। सो ऑप्शन 1 है राइट आंसर। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमोंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्गुमेंट्स। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? मिनिमम। ऑप्शन 3 MIN। फायर एस्टिंग्विशर एमिट विच गैस? तो फायर एस्टिंग्विशर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वट इज फॉर्म्ड वेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट? यदि हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनता है? एशिज। ऑप्शन 3। द साल्ट कंसेंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन डैश परसेंट इन इनलैंड वाटर्स। तो यहां पे कितनी कंसेंट्रेशन की बात हो रही है? 5% की। डैश स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड्स एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन द पंचायत राज अक्रॉस द कंट्री। तो यहां पे कौन सी स्कीम की बात हो रही है? यहां पे ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ऑप्शन 2 है राइट आंसर। हु डिस्कवर्ड फोटोन? फोटोन को किसने डिस्कवर्ड किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हु इज द विनर ऑफ 2016-17 प्रीमियर लीग फुटबॉल? फुटबॉल प्रीमियर लीग के विनर कौन थे? चेल्सिया। ऑप्शन 3। गोल गुंबज वॉज डिजाइन बाई? गोल गुंबज का डिजाइन किसने बनाया था? याकूत ऑफ दबूल ने। ऑप्शन 4 है राइट आंसर। साक एग्रीकल्चर सेंटर जिसे हम SAC भी जानते हैं
इज बेस्ड इन विच सिटी, तो कौन सी सिटी में है ये, ढाका बांग्लादेश। द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड इंक्रीज विद डैश इन द कंज्यूमर्स इनकम, तो भाई इंक्रीज होगी जब हमारी इनकम, तभी तो डिमांड इंक्रीज होगी। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व फ्रॉम डैश एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कहाँ काटती है, टॉप बिलो राइट और लेफ्ट, तो काटती है बिलो। फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द सेवन शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो जंगल हैं जो वो कौन सी लिस्ट में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्करेंट लिस्ट में। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ कंट्री, तो कौन से फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, राइट टू इक्वेलिटी की। डैश वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा पूरी उम्र के लिए किसको बंदी बनाया था, शाहजहां को। नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, 1928 में कौन सा कमीशन आया था, साइमन कमीशन आया था। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रेनाइट। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द डैश आर नोन एज डून्स, सो डून्स हम किसे बोलते हैं, शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच के एरियाज को। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय डैश, सो इसका आंसर है आपका सेल डिवीजन से ग्रो करता है वो। मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द डैश, क्या होते हैं भाई, स्टेमन, ऑप्शन टू। इन एनिमल्स लाइक एनिलिड मोल्यूसेक ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, ईच सिस्टम्स कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड डैश सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर है ऑर्गन। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर, किसका है, मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज इफ, कब इंक्रीज होगा, द टू सरफेस आर प्रेस हार्डर, जब उनको हार्डर प्रेस किया जाए, सो ऑप्शन टू है राइट आंसर। एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल ऑन द इंटरनेट, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, यूआरएल की। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो यहां पे कौन सी चेंज की बात हो रही है, फिजिकल चेंज की। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डैश इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, तो इसे हम कौन सा रेट बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट। हु डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर्ड किया था, विलियम हार्वे ने। विच कंट्री डिड इंडिया लॉस टू इन सेमीफाइनल्स ऑफ द मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015, तो किसने हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने। बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन, बुलंद दरवाजा कहां पे है भाई, उत्तर प्रदेश में, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहां पे कौन से अवार्ड की बात हो रही है, पद्मश्री की, ठीक है, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर विद विच अदर कंट्री बिसाइड्स इंडिया, तो नेपाल की बॉर्डर और कौन से देश से लगती है, चाइना से। अ कॉमोडिटी मार्केट हैज अ डैश स्ट्रक्चर, इफ देयर इज वन सेलर ऑफ द कॉमोडिटी द कॉमोडिटी हैज नो सब्स्टिट्यूट एंड एंट्री इनटू इंडस्ट्री बाय अनदर फर्म इज प्रिवेंटेड, तो यहां पे किस कंडीशन की बात हो रही है, मोनोपोली की, ऑप्शन टू है राइट आंसर। द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डैश शेप्ड, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप की होती है, यू शेप की। फॉरन ज्यूरिसडिक्शन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द सेवन शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन से लिस्ट में है फॉरन ज्यूरिसडिक्शन, हमारी यूनियन लिस्ट में। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो यहाँ पे कौन से फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, राइट टू इक्वेलिटी। डैश सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ
फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल की उम्र में ही वो फरगना का राजा बन गया था 1494 में, वो नाम है बाबर। नेम द ब्रिटिश जर्नल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेक्रे, तो कौन था वो? डायर। डैश इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉयल फॉर्मेशन, तो किसकी बात ये कर रहा है? क्लाइमेट की। द लॉन्गिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड क्या है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहां पे देख लीजिए, ऑप्शन वन है राइट आंसर। अ हेल्दी अडल्ट मैन हैज एन ऑन एन एवरेज डैश इन मिलियंस ऑफ आरबीसी, कितनी आरबीसी होती हैं भाई? 5 से 5.5। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द डैश, तो क्या होता है वो? स्टिल। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रायोनिक लेयर्स आर कोल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स डिजिट पंक्चुएशन कैरेक्टर्स एंड सो ऑन, तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? स्ट्रिंग की। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रक्रिया को? गैल्वेनाइजेशन। डैश इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, कौन सा है भाई? वो है आपका टेम्परेचर। हु डिस्कवर्ड एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स कुक ने। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल आर ऑल स्कूल्स ऑफ, तो यहां पे किसकी बात हो रही है? राजपूत पेंटिंग्स की। सिटीजन ऑफ विच नेबरिंग कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ पासपोर्ट और वीजा टू एंटर इंडिया, कौन से देश की बात हो रही है? नेपाल की। इफ द डैश फॉर्म्स हैज जीरो कॉस्ट और ओनली हैज फिक्स्ड कॉस्ट, द क्वांटिटी सप्लाइड इन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रिवेन्यू इज जीरो, तो यहां पे कौन सी कंडीशन की बात हो रही है? मोनोपोली की। द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो किस शेप की होती है? यू शेप की। बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये कौन सी शेड्यूल लिस्ट में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? स्टेट लिस्ट में। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स, लोकसभा की यहां पे पूछ रहा है, वेस्ट बंगाल में कितनी है? 42। इन 1916 महात्मा गांधी ट्रेवल टू डैश टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, तो 1916 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण में। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका से आए थे, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, जनवरी 1915 में। डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तो यहां पे कौन से प्लेस को अलग करता है? श्रीलंका को। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो कितना एरिया? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डैश बींग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, किसकी बात कर रहा है? ऑर्डर की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगई दैट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर साइज गैमेट इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनिसोगैमस। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्लोमेट्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिविन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसके प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। द कोयल वायर इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट।
डैश सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी एडिटेड एंड कस्टमाइज बाय एनीवन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ओपन सोर्स की। डैश इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नमक की। पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉसेस, तो क्या होगा, उससे केमिकल रिएक्शन होगी। डैश इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो सेम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन, ई वाला। डैश वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, तो वो है आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट। हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच प्रूव्ड टू बी प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर, तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने, फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं। अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो कहाँ पे हैं ये गुफाएं अजंता एलोरा की, महाराष्ट्र में। विच ऑफ फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड फ्लोज इन टू गंगा, तो कौन सी रिवर नेपाल से निकलती है, कोसी, गंगा में जाके मिलती है। डिमांड फॉर अ इंफीरियर गुड डिक्रीज विद द डैश इन द कंज्यूमर्स इनकम, डिमांड इंफीरियर गुड की डिक्रीज कब होगी, जब कंज्यूमर्स की जो इनकम इंक्रीज होगी, तो बढ़िया चीजें खरीदना चाहेगा ना, घटिया क्यों खरीदेगा फिर वो। गुड्स फॉर विच द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूज इंक्रीज एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज एज द इनकम डिक्रीज, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन सेवन शेड्यूल, तो कौन से लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में। डैश मेक्स लॉज ऑन मैटर इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कौन बनाता है भाई, लोकसभा। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस डैश वॉज नोन एज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, तो उस स्थान को हम क्या बोलते थे, लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल को, उसे क्या बोला जाता था, शाला भोगा, शाला भोगा। प्रिंस सलीम वॉज नेम ऑफ द फ्यूचर एम्परर, किसका नाम था ये, जहांगीर का। डैश इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, तो इसका क्या आंसर है, वेदरिंग प्रोसेस की बात कर रहा है ये। द मेथड ऑफ सोयल कंजर्वेशन इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स वेयर रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सोयल कवर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे किस प्रकार की कंजर्वेशन की बात हो रही है, शेल्टर बेल्ट। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज से बायोलॉजिकल नेम डिराइव हुए हैं, लैटिन। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। ओरिलिया, ओरिलिया जिसे हम मेडूसा बोलते हैं, एंड एडमिसिया जिसे हम पॉलिप बोलते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम, तो कौन सी फाइलम की एग्जाम्पल हैं, कोएलेंटेरेटा, ठीक है। सो ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज वेस्टेड व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, दिस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू, किसकी वजह से होती है हीट, फ्रिक्शन की वजह से। द इंसिडेंट रे द डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, इसका क्या आंसर है आपका, नॉर्मल। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डैश अलाउ अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट, किसका यूज करते हैं हम, इंक्रीज इंडेंट का। ब्लू विट्रॉयल इज अनदर नेम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्लू विट्रॉयल किसका नाम है, कॉपर सल्फेट। रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बुक हैज पाउडर पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस होता है वो। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड, तो उसे हम किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूरो यूरी थर्मल, ऑप्शन टू है। हु इन्वेंटेड वेलक्रो, वेलक्रो को किसने इन्वेंट किया था, जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने।
विच नेशन विल होस्ट द फीफा मेंस वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन ईयर 2018? कौन करेगा? रशिया। चार मीनार वॉज बिल्ट बाय किसने बनाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर वेलोर, कॉरेजियस एक्शन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड? तो यहां पे किसकी बात हो रही है? अशोक चक्र की। विद विच अदर कंट्री डज बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर बिसाइड्स इंडिया? तो किसके साथ मिलती है? म्यांमार के साथ। द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीज विद डैश इन द कंज्यूमर्स इनकम, तो क्या होगी? डिक्रीज। गुड्स फॉर विच डिमांड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड? तो किस टाइप के गुड्स की बात हो रही है? इंफीरियर गुड्स की। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, तो ये हमारे शेड्यूल कौन से शेड्यूल में आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। डैश इज द इश्यूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयर बाय इज इंफ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो कौन सी रिट इश्यू की जाएगी? मैंडमस। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस, डैश वॉज नोन एज अ लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन। सो जैन को जो लैंड दे दिया जाता था दान में, उसे क्या बोला जाता था? पल्ली छंदम, पल्ली पल्ली छंदम, अजीब सा नाम है। प्रिंस खुर्रम वॉज नेम ऑफ द फ्यूचर एम्परर, खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का। डैश और डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, तो यहां पे किसकी बात हो रही है? लैंडस्लाइड की। मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक, रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड विच आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन्स। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसिया आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी, तो क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी। एस्ट्रियाज जिसे हम स्टारफिश बोलते हैं, एकिनस जिसे हम सी अर्चिन बोलते हैं, और एंटेडन जिसे हम सी लिली बोलते हैं, ये सारे किस फाइलम के एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे एचिनो डेरमेटा के एग्जाम्पल हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डैश रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, तो क्या कॉन्स्टेंट रहता है? वेलोसिटी। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट, कितनी देर के लिए रहती है? 1/16 सेकेंड। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश अलाउज अस टू मूव सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट डिक्रीज इंडेंट। एसिटिक एसिड इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका नाम है? विनेगर का। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड क्या बनता है? कॉपर। फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेंटोथर्मल, स्टेनोथर्मल, सॉरी स्टेनोथर्मल। मेटेंचेरी पैलेसिया इज लोकेटेड इन, कहां पे है ये? केरला में भाई। विच इज द ओनली ट्रेन विच रन्स बिटवीन कोलकाता एंड ढाका, तो उसका आंसर है मैत्री एक्सप्रेस। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट इन द सेवेंथ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सीबीआई कौन से लिस्ट में है? यूनियन लिस्ट में। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स, राज्यसभा की कितनी सीट है उड़ीसा में? 10। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर, तो कहां पे गए थे गांधी 1918 में? अहमदाबाद गए थे। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान एंड सिजाउदोला वर ऑल नवाब्स ऑफ, कहां के नवाब थे? बंगाल के। डैश अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, कौन इफेक्ट कर सकता है ह्यूमस को? फ्लोरा एंड फौना। लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, तो किसके बीच में एक्सटेंड करते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो देख लीजिए। डैश इज अ स्ट्रे कलर्ड, सॉरी स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूड कंसिस्टिंग
कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे प्लाज्मा की बात हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी दैट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर साइज गैमेट्स इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रक्रिया को, आइसोगेमस। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन थ्री एम्ब्रायोनिक लेयर उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपोब्लास्टिक। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप्स हैविंग अ कॉमन नेम, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, एरे की। अ डैश थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, तो कौन से थ्रेड की बात हो रही है, नायलॉन थ्रेड की। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग की। Dash refers to the number of births during a given period in population that are added to initial density. तो यहाँ पे कौन से रेट की बात कर रहा है, ये natality. Who invented the waterproof raincoat? किसने invent किया था, Charles McIntosh ने. Who was the architect of Taj Mahal? तो कौन थे भाई, उस्ताद अहमद लाहौरी. Nobel Prize in Literature 2016 किसको मिला है भाई, Bob Dylan को. Which national park in Nepal is continuation of India's Valmiki National Park? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, चितवन National Park की। Money market is market for किसके लिए है भाई, वो short term funds के लिए। India shares longest international boundary with which country? तो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। The residuary powers of legislation under Indian Constitution rests with किसके अंदर है ये सारी power, Parliament में। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय किसके द्वारा करी जाती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। उपनिषद आर द डैश क्या है भाई, उपनिषद सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। सांगपो इज अनदर नेम इन तिब्बत फॉर किसको यूज किया जाता है, सांगपो नेम, ये ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड कहाँ पे है, लार्जेस्ट हर्बेरियम कोलकाता में। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाय कैसे करेंगे हम टेम्परेचर मेजर, पायरोमीटर से। इन आईटी टर्मिनोलॉजी फेलियर इन द कर्नल इज कॉल्ड एज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रैश। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, सो यहां पे आपका विश्व भारत। Which of the following state has become India's first carbon-free state? तो कौन से state की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की। Energy travels from sun to earth through कौन सी process से आती है, energy radiation से। CK Naidu Cup is associated with which of the following sporting events? तो CK Naidu Cup जुड़ा है cricket से। Pump priming should be restored to at a time of किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कब, deflation के समय। Which is the highest award for gallantry during peace time? तो ये है आपका अशोक चक्र। At Barren Island, the only active volcano in India is situated in कहाँ पे है ये, निकोबार आइलैंड में। The transfer of mineral from top soil to subsoil through soil water is called, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं leaching। Heat is transmitted from higher temperature to lower temperature through the actual motion of molecules. तो इसे हम क्या बोलते हैं, convection. Polio किसने बनाया था? Polio किसकी वजह से होता है? Question ये है. Polio virus की वजह से होता है. इतनी ज़्यादा continue बोलो तो थोड़ा सा फिसल जाती है जुबान. Which country is in the process of building the largest single aperture radio telescope? ये है चाइना। द कोवाड़ा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट, कहां पे लगेगा ये प्रोजेक्ट, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन बी चेंज्ड बाय कौन चेंज कर सकता है, आरबीआई। इन बायो फोर्टिफिकेशन टेक्निक प्लांट ब्रीडर्स यूज ब्रीडिंग टू ओवरकम, इसका क्या आंसर है, डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स।
विच इंस्टीट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके पास है भाई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सिल्वर गेट्स कॉरोडिड ड्यू टू डैश इन ईयर, भाई किसकी वजह से प्रेजेंट होता है सिल्वर गेट कॉरोडिड? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? यूरेनियम है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर, किसके अंदर आता है ये? फंडामेंटल राइट के अंदर। विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स कंटेन एसिड, किसके अंदर एसिड होता है? स्टोमक, पेट के अंदर। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पर्ल स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार? श्रीलंका। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, तो यहाँ पे सिल्क की बात हो रही है। पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल ऑप्टिकल फिल्टर इज टू, ऑप्टिकल फिल्टर का क्या पर्पज है? ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटेड कॉर्ड, तो वो है आपका एक्सएस 3 कॉर्ड। आई डोंट नो दिस टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज इट? रेसिडेक्स इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा है रेसिडेक्स? ये जुड़ा है आपका लैंड पाइस से। ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय अब्सॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड, तो ओजोन किसको अब्सॉर्ब करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को। बिरजू महाराज किससे जुड़े हैं? वो कथक से जुड़े हैं। इन द सेंस ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर स्काई वुड अपियर, एटमोस्फेयर ही नहीं होगा तो जो आसमान हमें कैसा दिखाई देगा? काला, ब्लैक। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी भाई? वो थी एनी बेसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मीट द क्रेडिट नीड्स फॉर पुअर वुमेन, कौन से प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे? राष्ट्रीय महिला कोष की। द कंप्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू, किसको रिपोर्ट सौंपते हैं भाई? कैग, प्रेसिडेंट को। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, कहां पे हुई थी? राजगृह में। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, कहां पे मिलते हैं आके? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहन एम्पायर, सतवाहन एम्पायर का फाउंडर कौन था? सिमुका। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट सेशन एट, तो दो पार्ट में विभाजन हो गया था कांग्रेस का, कौन से सेशन में, कहां पे हुआ था ये? सूरत में। सिलिका जेल इज, तो ये सिलिका जेल क्या है? एक ड्राइंग एजेंट है। विच सुपरफास्ट ट्रेन हैज एसी कोच हैविंग ब्रेले सिग्नल्स, तो किसके अंदर है ये? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के अंदर। बायोफर्टिलाइजर कन्वर्ट्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। शिवा थापा एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो किससे जुड़े हैं शिवा थापा? बॉक्सिंग से। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोसोर्स इन इंडिया, कहां पे है भाई? काजीरंगा में। विच कंट्री रिसेंटली वॉन्टेड टू लीव द यूरोपियन यूनियन, किसने छोड़ा है यूरोपियन यूनियन? यूनाइटेड किंगडम ने। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ऑप्शन टू है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है, ऑप्शन वन है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स एडिटर, तो यहाँ पे आंसर है आपका संध्या, वरिंद्र घोष, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन, तो किस पे जो कीड़े होते हैं सिल्क के कीड़े क्या खाते हैं वो? मलबरी लीव्स। व्हाट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बायोकार्बोनेट इज हीटेड, क्या बनेगा भाई? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ऑप्शन वन है राइट आंसर। मिशन इंद्रधनुष अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन कंट्री बाय एनडीए गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है? सिस्टमैटिक इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट डिसीज, सो ऑप्शन वन है राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन ऑनर्ड बाय स्पेशल ऑस्कर, किसको मिला है? सत्यजीत रे को। What situation would result if government expenditure exceeds the government revenue on current account? तो क्या situation खड़ी हो जाएगी? Deficit budgeting की। Disguised unemployment in India is mainly related to, किससे relate करती है disguised unemployment? Agriculture sector से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान किसी की गारंटी नहीं देता राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल की। अ वाइड इनलेट ऑफ सी यूजली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बे, खाड़ी। पंजाब हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम, कहां से मिलती है इनको पानी, सतलुज रिवर से। द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ एस्परगिलस, एस्परगिलस तो क्या होता है भाई, एंथ्रेडियम एंड एस्कोगोनियम। तो यहां पे देखिए एंथ्रेडियम ऑप्शन फोर में है, एस्कोगोनियम भी ऑप्शन फोर में है, सो ऑप्शन फोर है राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरे, क्या ट्रू नहीं है, हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, ये गलत है भाई, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ऑप्शन वन है राइट आंसर। डैश चेंजेस ईच टाइम इट इज इंस्टॉल्ड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो किसकी बात कर रहा है ये, पॉलीमॉर्फिक वायरस की। विच वन ऑफ फॉलोइंग वीड्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तो किसकी बात कर रहा है यहां पर, ये पेरेंथियम की। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, किसे कहा जाता है, आईबीआरडी को। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टल, क्या एग्जाम्पल है, ओपेक। सुलेज वाटर, सुलेज वाटर क्या होता है भाई, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन। हु वॉज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन थी भाई, सुचेता कृपलानी। मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द ऑप्शन इज, ऑप्शन में से कौन सी है मोस्ट प्योर फॉर्म, एंथ्रासाइट। चालुक्य टेम्पल, जैन टेम्पल एट डिलवाड़ा आर सिचुएटेड इन, कहां पे है भाई ये चालुक्य टेम्पल, राजस्थान। तो भाई ये थे आपके थर्ड वीडियो, ठीक है, तो 750 से ज्यादा आपके प्रश्न हो चुके हैं तीन वीडियो में। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।